हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। परमाणु शक्ति। देखिए, परमाणु शक्ति के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको साफ बता दूं कि परमाणु शक्ति का जो भविष्य उज्जवल है और इसका भविष्य में भी बखूबी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि परमाणु शक्ति अगर हम उपयोग कर रहे हैं विद्युत के उत्पादन में, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण रखरखाव होती है, क्योंकि अगर एक बार अगर लीक इसमें हो जाए तो कहते हैं उस क्षेत्र के जनजीवन जो है तहस नहस हो जाती है। इसलिए सरकार इसके ऊपर बहुत अधिक जो है कारगर सिद्ध नहीं किया है और इस पर कोई भी राय विचार सही से लेना संभव नहीं हुआ है। कहते हैं भारत के कुछ क्षेत्रों में बेशकली जो परमाणु शक्ति संयंत्र से चलाई जा रही है, लेकिन ये कहते हैं बहुत ही संकट का कारण भी बन सकता है, क्योंकि परमाणु शक्ति इतनी विनाशकारी होता है और इसमें कई देशों को जो है चपेट में ले भी रखा है। इसलिए भारत में इसको लगाने से जो है बड़े बड़े जो है कंपनियां इसको थिर्राती है, क्योंकि भारत में देखा जाए कि यहाँ पर आलस्य बहुत है, लोग जो है इसमें एक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन परमाणु शक्ति में जो भी कार्यरत व्यक्ति होते हैं उनको बहुत ही एक्टिव रहने की आवश्यकता है, तभी जो है इसको यहाँ लगाया जाना सार्थक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं विश्व में हर क्षेत्र में देखा जाए तो परमाणु शक्ति जो है लगाया जा चुकी है और वहाँ पर इसका भली भांति उपयोग भी हो रहा है, लेकिन भारत में आगामी क्षेत्रों में कुछ ही क्षेत्रों में ही जो है परमाणु शक्ति का उपयोग हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि भारत सरकार इस पर क्यों नहीं जोर दे रही है और क्यों नहीं इसको लगा रही, क्योंकि इसके रखरखाव और इसके जो होने वाले विनाश है वो बहुत ही भयंकर सिद्ध होता है। इसलिए भारत में जो है इसके ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिर भी भारत में कुछ क्षेत्रों में जो है इसको जरूर स्थापित किया गया है, उसी के विषय में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और इसके योगदान उदान के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहते हैं भारत ने जो यूरेनियम थोरियम जैसे परमाणु खनिजों के ऊर्जा उत्पादन करने की जो प्रौद्योगिकी विकास कर ली थी। कहते हैं जो है परमाणु शक्ति उत्पन्न करने के लिए परमाणु रिएक्टर की स्थापना हेतु बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश के साथ उच्च कोटि की तकनीक विकसित आवश्यकता होती है। तो सबसे बड़ी प्रश्न तो यही उठता है कि इसमें सबसे अधिक जो है पूंजी निवेश होती है और दूसरा जो होता है बहुत ही उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में परमाणु शक्ति का कुल उत्पादित शक्ति सभी स्रोतों से में जो है 2% का ही योगदान है, यानी परमाणु शक्ति से हम सिर्फ आज के समय में 2% ही उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। परंतु आगामी भविष्य में परमाणु शक्ति का ऊर्जा का जो है उदयमान स्रोत सिद्ध होगा। कहते हैं भविष्य के लिए उज्ज्वल हो सकता है, भविष्य में इसका उपयोग जो है भली भांति किया जा भी सकता है। जब भविष्य में ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि समाप्ति के कगार पर आ जाएंगे तो यह शक्ति के पूरक स्रोत के रूप में भी कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, परमाणु शक्ति का जो है आने वाला समय के लिए जो है भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन देखा जाए तो अभी जो है इसका उपयोग सिर्फ 2% भारत में हो पा रहा है। परमाणु शक्ति जो है कार्यक्रम पिछली शताब्दी के 5वें दशक में आरम्भ किए गए थे और अगस्त 1948 में टाटा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना एक शीर्ष स्थापना के रूप में की गई थी, जो परमाणु कार्यक्रमों में जो है न्यायात्मक गतिविधियों का संचालन करता था। परंतु इस दिशा में प्रगति परमाणु ऊर्जा संस्थान की जो है ट्रैम्बो में 1954 में स्थापना के बाद ही हो सकी। इस संस्था के जो 1960 में एक नया नाम भाभा परमाणु शोध केंद्र रखा गया, जिसे वर्क दिया गया, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण कि 1967 में जो है इसका नाम भाभा परमाणु शोध केंद्र रखा गया। भारत का सर्वप्रथम परमाणु शक्ति केंद्र जो है 320 मेगावाट शक्ति, जो कि मुंबई के पास तारापुर में स्थित है, 320 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन कर रहा है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में, यानी 1970 में स्थापित किया गया था। और इसके बाद परमाणु रिएक्टर रावत भाटा यानी 300 मेगावाट कोटा में जो स्थापित किया गया, जो कि राजस्थान में है, जहां पर 300 मेगावाट जो है का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है। उसके बाद जो है कलम पक्कम में जो है 400 मेगावाट शक्ति जो है उत्पन्न की जा रही है इस पर्टिकुलर पावर से, और तमिलनाडु में जो है नरोडा, उत्तर प्रदेश में जो है नरोडा और जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कोगा कर्नाटक में, और करापारा जो है गुजरात में भी स्थापित हुई है। इस प्रकार वर्तमान में परमाणु शक्ति का उत्पादन 10 इकाई से जो कि 6 केंद्र में अव्यवस्थित है, यानी अभी देखा जाए तो सिर्फ भारत में 6 केंद्र ही जो है
परमाणु शक्ति की बनाई गई है, ठीक है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि हर एक राज्य में देखने को मिले। लेकिन कहते परमाणु ईंधन एवं भारी जल की आवश्यकता की आपूर्ति क्रमश परमाणु ईंधन संयंत्र समूह हैदराबाद तथा भारी जल संयंत्र वडोदरा से भी की जा सकती है, जो कि काफ़ी महत्वता की ऊपर जो है प्रकाश डाल रहा है। कहते अगर देखा जाए तो 2004 से 2005 में जो है 16,707 मेगावाट परमाणु शक्ति उत्पादन हुआ, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 2004 से 2005 में 16,707 मेगावाट परमाणु शक्ति का उत्पादन हुआ, जो कि देश के कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का एक छोटा सा ही अंश है। कहते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के पास बहुत ही महत्वाकांक्षी परमाणु शक्ति योजना है, जिसका लक्ष्य 2020 तक जो है 20,000 मेगावाट प्राप्त करना है। कहते हैं 20,000 मेगावाट की तरफ जो है DAE का है लक्ष्य है, लेकिन ये पहुंच पाती है कि नहीं, लेकिन कहते हैं कोई इसमें दो राय नहीं। जैसे जल विद्युत का प्रयोग खत्म होने जैसा है, सिस्टम बन गया है, वहीं पर जो है कोयला पेट्रोल भी खत्म हो रहे हैं, तो हो सकता है कि 2030 के आसपास देखा जाए तो हम जो है किसी परमाणु शक्ति पे ही आश्रित हो जाएंगे। परमाणु शक्ति के उत्पादन की प्रक्रिया जटिल एवं जोखिम भरी रहती है, तो पहले ही मैंने संकेत किया था कि ये बहुत ही जटिल एवं जोखिम भरी है। जरा सी भी चूक अथवा सावधानी के पालन में भूल बहुत बड़ा हादसा पैदा कर सकती है, जिससे संयंत्र के परिवेश एवं आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही तथा हजारों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए परमाणु शक्ति केंद्र सुरक्षा को कठोर उपायों के निहायत आवश्यकता होती है। तो इसी कारण जो है भारत में जो इसका स्थापना नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे बहुत ही माल जाल की हानि होने की संभावना बन जाती है।